हाय एवरीवन, दिस इज वेलनेस कोच प्रियंका। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम अपनी वेट लॉस डाइट में से चावल हटा दें, मैम हम अपनी वेट लॉस डाइट में से रोटी हटा दें, मैम क्या हम ये हटा दें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव नॉलेज लेके आई हूँ कि कार्ब्स के बारे में। तो कार्ब्स को लेके हम सबको बहुत बड़ा मिथ है कि शायद चावल छोड़ने से मेरा वजन कम हो जाएगा, शायद आलू छोड़ने से मेरा वजन कम हो जाएगा, चाय चपाती छोड़ने से मेरा वजन कम हो जाएगा। तो गाइस, ऐसा करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इट्स ऑल डिपेंड योर पोर्शन कंट्रोल एंड आपकी कैलोरी मैनेजमेंट पे फर्क पड़ता है कि हाउ मच कैलोरी यू आर टेकिंग। सो कार्ब्स छोड़ने से वेट लॉस नहीं होता है, वी नीड कार्ब्स। क्योंकि जब भी आप कार्ब्स नहीं लेंगे आप बहुत ज़्यादा फटीक महसूस करेंगे और आपको उतना एनर्जी भी नहीं रहेगा बॉडी के अंदर, आपका स्टैमिना भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो वी ऑल नीड कार्ब्स। तो चलिए आज मैं आपको कार्ब्स के बारे में कुछ हेल्दी टिप्स देने वाली हूँ कि कार्ब्स को हम कैसे खा सकते हैं। तो जब भी हम अपना राइस खाते हैं तो हम राइस के साथ कुछ भी लेते हैं, दाल राजमा, आप कुछ ना कुछ प्रोटीन लेते हो या वेजिटेबल्स लेते हैं या कर्ड लेते हैं हम राइस के साथ। तो आप एक काम कर सकते हो, अपनी राइस की क्वांटिटी को हम कम करके अपनी दाल का या जो भी आप ले रहे हो साथ में, कर्ड ले रहे हो या वेजीज ले रहे हो, उनकी हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं सो दैट हमें प्रोटीन एंड कार्ब्स का कॉम्बिनेशन मिले और वो सिंपल कार्ब्स से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो जाती हैं। एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है, साथ ही साथ आपका अदर न्यूट्रिएंट भी आपकी बॉडी को मिलते हैं और प्रोटीन भी अच्छा आपको मिल जाता है, जिससे आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहता है। सेकेंड थिंग, जब भी हम कुछ बनाए लाइक आप चपाती खाते हो तो भी आप वेजिटेबल्स के साथ खाते हो, आप सिंपल चपाती नहीं खाते हैं। तो आप एक और चीज़ मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी, आप अपनी चपातीस के अंदर बहुत सारा वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। आप बीट रूट चपाती बना सकते हैं या एनी योर फेवरेट वेजिटेबल्स, आप कैरेट डाल सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है आप ऐड कीजिए सो दैट जो आप चपाती बना रहे हो वो कॉम्प्लेक्स चपाती हो जाए और उसके ज़्यादा बेनिफिट आपको मिले। तो कार्ब्स कभी भी आपको वेट लॉस के लिए छोड़नी नहीं है आप, क्योंकि जब भी कार्ब्स को छोड़ते हैं एंड रीस्टार्ट करते हैं खाना तो आपका वजन तो आप एक बार जो घटा लेते हैं डाइटिंग करके वो वापस भी डबल आता है। तो हमें कभी भी कार्ब्स नहीं छोड़नी है क्योंकि हमें हमारी ब्रेन की एनर्जी, हमारी एनर्जी कार्ब पे बेस्ड होती है। सेकेंडरी, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हो अपने डाइट के अंदर। तो कार्ब्स में देखिए बहुत सारी चीज़ आती है, सिंपल कार्ब्स में हम लोग बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट को हम लोग वेजिटेबल्स से रिप्लेस कर सकते हैं, हम हेल्दी वेजिटेबल सैंडविच बना सकते हैं, उसके अंदर हम चीज़ लगा सकते हैं सो दैट हमारा प्रोटीन भी साथ में चला जाए। और तो आप इस तरह से करेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर पाएंगे और आप एक हेल्दी वेट लॉस कर पाएंगे। यस ऑफ कोर्स आपको पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है, आपको कैलोरी मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, आपको कितना कैलोरी इनटेक लेना है उसके हिसाब से ही आप खाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कार्ब्स नहीं खाने। तो ये मेरी छोटी सी टिप्स थी, अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है आपको। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी, अगर आप मुझे कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं सो दैट आपके अगर कुछ सवाल हैं तो मैं उन सवालों का आंसर दे पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, बाय एवरीवन।